हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फिनाकल एफ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो ये है पार्ट फोर तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है वाइल एर और पेइंग ऑफ गोल्ड लोन अकाउंट्स इन विच इंटरेस्ट डिमांड इफेक्टिव डेट इज लेस देन बी डेट तो ऐसे में क्या कर सकते हैं वी हैव क्रिएटेड बैच जॉब फॉर रिसूम गोल्ड लोन्स डेली आर कंप्लीटिंग देयर इंटरेस्ट डिमांड इफेक्टिव डेट

एन आर एल एस रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं ये एक्चुअली ब्लॉकेज है ये रीजनल ऑफिस के कुछ कुछ बैंक में रीजनल ऑफिस में भी कर सकते हैं एच ओ में एच ओ में कर सकते हैं हेड ऑफिस में भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर चीफ मैनेजर या फिर ए जी एम या फिर डी जी एम जो है जो ऊपर हायर के लेवल में है वो क्या कर सकते हैं ब्लॉक को हटा सकते हैं इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट देना है और जैसे आप रिक्वेस्ट देंगे वो क्या होगा आर एल एस या जो भी थ्रू uh, वे से आप देंगे उस बेसिस में क्या होगा ये जो एरर है ये जो ब्लॉक है वो हट जाएगा और उसके बाद आप एच पे ऑफ ईजीली कर सकते हैं तो एज ऑफ के टाइम में ये एरर आ सकता है तो इसके लिए आपको ऊपर हायर में बात करके लिफ्ट को हटाना पड़ेगा ब्लॉक को हटाना पड़ेगा तो नेक्स्ट देखिए मेनू फॉर डेबिटिंग फ्रॉम ए टर्म लोन अकाउंट विद द फ्लो आई डी बी सी डी एम द बैंक चार्ज टर्म लोन में जो होता है वहां से अगर बैंक चार्ज कलेक्ट करना है तो मेनू है एल ए ए सी एच आर सी एंटरिंग लेवल ए डी एस एडी एन ओ टी आर फ्रॉम टर्म लोन एट प्रेजेंट दिस कैन बी एंटर बाई सी डी एम सी इन अदर स्टैप ऑफ एच ए सी एम एल ए तो ऊपर में जो देखिए फिनाकेल टेन में बहुत सारा टैब या बहुत सारा टैब कह सकते हैं कि आप जो एंट्री लेवल के यूज़र हैं वो यूज़ नहीं कर पाते वो देख नहीं पाते बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होता है वो धीरे धीरे जैसे आप हायर आर्गी में जाओगे तो बहुत सारा टैब क्या होगा उनके लिए ओपन होगा लेकिन जो लोअर जो बैंकिंग में जहाँ पे एकदम बेसिक लेवल में काम होता है वो हो सकता है उस टैब को एक्सेस ना कर पाए तो ये हो सकता है इसके लिए आपको जो डेटा सेंटर है वहाँ पे जाके आपको बात करना पड़ेगा तब जाके आप कर सकते हैं फिर क्या है एंटरिंग एओडी डेट इन टर्म लोन्स ए डेट कैन बी एंटर्ड इन द टर्म लोन डिटेल्स टैब या एक टैब है एच मेनू सी एम ब्राइट ब्रांच यूजर इन फ्यू केसेस वाइल मॉडिफाइंग दिस फील्ड सिस्टम सोस एंड एर दैट सम और एग्जिट्स इन एम आई एस विच इज़ ब्लॉक्ड फॉर ब्रांच यूज़र तो मैंने जो बताया था ब्रांच यूज़र के लिए कुछ कुछ ब्लॉक रहता है इन सच केस एगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द हेल्प डेस्क और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है फिनाकल हेल्प डेस्क आपका बैंक में जो फिनाकल हेल्प डेस्क है वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा बात करना पड़ेगा और ये एर जो है वो वो लोग रेक्टिफाई कर देगा और ब्रांच लेवल में उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा नेक्स्ट है रिवर्सिंग आ क्रेडिट गिवन टू टर्म लोन एक टर्म लोन में आप क्रेडिट दें उसको रिवर्स करेंगे ब्रांच कैन यूज द मेनू एच लैस पे इट्सल्व फॉर रिवर्सिंग ए क्रेडिट गिवन टू द लोन अकाउंट बाय यूजिंग द फंक्शन रिवर्सल रिवर्सल एक फंक्शन से वहाँ जाके कर सकते हैं इन द सेकेंड पे एज ब्रांच हैजू गि द वैल्यू डेट करेक्टली तो वैल्यू डेट होता है वो आपको देना पड़ेगा इफ द क्रेडिट गिवन डेट इज लेस देन बीओडी डेट तब आपको वैल्यू डेट देना है द एक्चुअल क्रेडिट इज बी रिवर्स्ड शुड बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्चर बटन गिवन नियर बाय द फील्ड रिवर्सल आई तो रिवर्सल आई के साइड में आपको सर्चर बटन मिलेगा वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा So, friends, hope you like the video. And if you like the video, then don't forget to subscribe my channel, like, share, and comment. Thank you.